आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त असम दौरे पर हैं और ये इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी असम दौरे पर गुवाहाटी कल वो पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ, मुख्यमंत्री उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे और वेलकम मोदी के दीपक जलाए गए थे, 1,00,000 दिए कल जलाए गए। मिशन साउथ के बाद मिशन नॉर्थ ईस्ट पर प्रधानमंत्री मोदी असम को करोड़ों की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आने वाले। कुछ खास तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, रोड शो करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी आपको सामने नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर की 25 लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, असम की बात करें इस वक्त असम के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी है और असम की लोकसभा सीटें हैं 14, सभी की सभी सीटों पर जीत हासिल करने के लिए लगातार कोशिश भारतीय जनता पार्टी की। यहां पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा उनके साथ इस वक्त मौजूद है और देखिए बड़ी संख्या में लोग इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री गुवाहाटी को बड़ी सौगात देते हुए नजर आने वाले हैं और लोग इस वक्त पहुंचे हुए। प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। असम को सौगात क्या क्या मिलने वाली है, कौन कौन सी बड़ी परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी देंगे, ये जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन गुवाहाटी से अब ये लाइव तस्वीरें जहां पर आप गुवाहाटी में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को देख सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल असम दौरे पर कल ही पहुंचे थे। ये भी आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग हुई और आज की अगर बात करें तो कई बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आने वाले। इस वक्त रोड शो की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में आपको मंच पर नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक रोड शो यहां पर किया जा रहा है, सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। 11,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी इस बार देने वाले। देखिए साल की शुरुआत हुई और साल की शुरुआत में आपने देखा पीएम मोदी साउथ के दौरे पर रहे और अब मिशन पूर्वोत्तर प्रधानमंत्री मोदी असम को सौगात देते हुए नजर आएंगे। 6-लेन सड़क की आधारशिला रखेंगे, नेहरू स्टेडियम को फीफा मानक वाले फुटबॉल स्टेडियम के रूप में और इसके अलावा गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की आधारशिला रखने वाले। चंद्रपुर में एक नए खेल परिसर के प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल कह सकते हैं कि 11,000 करोड़ की बड़ी सौगात आज असम के लोगों को, जिससे असम का विकास हो, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की। विस्तार से आपको बता रहे हैं, कामाख्या मंदिर गलियारा 498 करोड़ रुपए की सौगात यहां पर लोगों को मिलेगी। इसके अलावा गुवाहाटी में नई हवाई अड्डे के टर्मिनल से 6-लेन की सड़क बनेगी, उसके लिए 358 करोड़ रुपए की सौगात। इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको गुवाहाटी से दिखा रहे प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की, जिसमें आपको बड़ी संख्या में हर वर्ग मौजूद नजर आएगा। रोड शो में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में लोग इस वक्त पलके बिछाए बैठे और प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए बेताब है। लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री मोदी हाथ हिलाकर स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा भी इस वक्त आपको आ रहे हैं नजर। नेहरू स्टेडियम को फीफा मानकों के अनुरूप उन्नयन, इसकी लागत होगी 831 करोड़ रुपए। चंद्रपुर में एक नया खेल परिसर खोला जाएगा जिसकी लागत 300 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री असोम माला सड़कों की दूसरे संस्करण की भी आज शुरुआत करने वाले हैं और इस चरण में 43 नई सड़कें और 38 कंक्रीट पुल शामिल होंगे, जिसमें 3,444 करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है। यानी कि असम में निवेश आएगा, असम का होगा विकास। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा है खास और पीएम मोदी 3,250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एकीकृत नई इमारत की आधारशिला रखते हुए भी नजर आने वाले। पीएम प्रस्तावित करीमगंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की भी आज आधारशिला रखेंगे। यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में असम का खूब विकास होगा आने वाले समय में। और इस वक्त रोड शो में आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़, जो दूर दूर तक आप जहां भी देखेंगे आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए और जैसा कि आपको बताया, इससे पहले पीएम मोदी मिशन साउथ पर थे लेकिन मिशन पूर्वोत्तर पर पहुंचे। कुल 25 लोकसभा सीटें, वैसे तो हिंदी पट्टी के राज्य लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन अगर हम मिशन पूर्वोत्तर का देखें, प्रधानमंत्री मोदी का पूर्वोत्तर को देखें, तो अगर 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है तो ये भी एक मास्टर स्ट्रोक होगा और इसी मास्टर स्ट्रोक के तहत प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त गुवाहाटी मैं आपको सामने नजर आ रहे हैं। असम दौरे पर वो है, आज उनके दौरे का दूसरा दिन, कल वो यहाँ पर पहुंचे थे और भव्य स्वागत कल भी प्रधानमंत्री मोदी का हुआ था। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने एक्स पर पोस्ट भी किया था जब पीएम मोदी के स्वागत में 1,00,000 दीपक का जलाए गए और इस वक्त पीएम मोदी के काफिले पर पुष्प वर्षा हो रही है। मिशन नॉर्थ ईस्ट पर प्रधानमंत्री मोदी और इस दौरान कुछ खास तस्वीरें और लगातार आपको बता रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी में 297 करोड़ रुपए की यूनिटी मॉल का भी स्थापना करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी 1,451 करोड़ रुपए की लागत से विकसित विश्वनाथ चारियाली से गोहपुर तक नवनिर्मित 4-लेन सड़क बनेगी और 592 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित डोलाबारी से जमुगुरी तक एक और 4-लेन सड़क।
देखिए 4 लेन सड़कों का निर्माण होगा असम में। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए तो लगातार युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मॉल भी यहाँ पर खुलेगा, कह सकते हैं निवेश आएगा। तो जाहिर तौर पर असम को हम देखें तो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है आने वाले समय में। कामाख्या मंदिर कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो उसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी रखते हुए नजर आएंगे। कामाख्या मंदिर गलियारा जिस पर कुल खर्च होगा 498 करोड़ रुपए। तो प्रधानमंत्री मोदी असम में प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए नजर आएंगे, जिसका जिक्र हमने किया और आपको बताया कि कौन कौन सी वो परियोजनाएं हैं जिसकी आधारशिला आज प्रधानमंत्री मोदी रखने वाले हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गदगद नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इतनी भीड़ को देखकर असम पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत असम के लोगों ने किया और सबसे बड़ी बात कि तालियां लोग बजा रहे हैं, मोदी मोदी के नारे इस वक्त लग रहे हैं और पीएम मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप देखिए जैसे प्रधानमंत्री मोदी का काफिला लोगों के पास से गुजर रहा है तो लोग कितने खुश हैं। और सबसे बड़ी बात कि पुष्प वर्षा स्वागत में प्रधानमंत्री मोदी के इस वक्त लोग कर रहे हैं। कई विकास की ऐसी परियोजनाएं जो कि आज इन लोगों को मिलने वाली है और इसीलिए लोग खुश है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज उनके बीच है। और पीएम मोदी के साथ साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी सभी लोगों के बीच और लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश और इसी खुशी में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में नारे फिलहाल लग रहे हैं। और रोड शो की कुछ खास तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। प्रधानमंत्री मोदी देखिए कल जब पहुंचे तो उड़ीसा के गुवाहाटी स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वो पहुंचे थे, वो तस्वीरें आपने देखी कल। और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, राज्य के मंत्री उनके स्वागत में पहुंचे। और सबसे बड़ी बात कि अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और लोगों ने यहाँ पर दीपक जलाए थे। आज भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि असम के लोग कितने खुश हैं गुवाहाटी से, क्योंकि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दूर दूर से लोग प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जैसे जैसे पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर पुष्प वर्षा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस वक्त खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि लोग उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित हो रहे हैं। असम को 11,000 से ज़्यादा करोड़ की सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी देने जा रहे हैं और अब से कुछ ही देर पर वो मंच पे पहुंचेंगे, बड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन है और अपने संबोधन में आखिर प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कहते हैं वो देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 11,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और इस दौरान वेटनरी कॉलेज मैदान में जनसभा प्रधानमंत्री मोदी की, जिसके लिए तैयारियां पूरी है और लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। भीड़ आप देख सकते हैं, एरियल व्यू इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें दूर दूर तक आपकी नजरें जहां भी जाएगी आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। यहाँ पर महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग भी पहुंचे हैं, साफ तौर पर आपको युवा भी नजर आ रहे हैं और लोगों को प्रधानमंत्री मोदी से बहुत सारी उम्मीदें क्योंकि पीएम मोदी आज जब उनके बीच पहुंचे तो आज प्रधानमंत्री 498 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले माँ कामाख्या दिव्य परियोजना, कह सकते हैं माँ कामाख्या कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। नए एयरपोर्ट टर्मिनल से 6 लेन की सड़क जो कि 338 करोड़ रुपए की होगी और नेहरू स्टेडियम को फीफा मानक वाले फुटबॉल स्टेडियम के रूप में अपग्रेड करने वाले हैं जिसकी लागत कुल 831 करोड़ रुपए। और चंद्रपुर में एक नया खेल परिसर यानी कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी पूरी कोशिश डबल इंजन की सरकार करते हुए नजर आएगी। ये अलग अलग एंगल से इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आपको हर वर्ग के लोग नजर आएंगे जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी का काफिला बस पहुंचने ही वाला है स्थल पर और जैसे ही पीएम मोदी का काफिला वहां पहुंचेगा सबसे पहले जो परंपरा रही है, जो संस्कृति रही है, जब भी मंच पर कोई अतिथि पहुंचता है उसका स्वागत किया जाता है, उसी तरह से पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा भेंट देकर। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जब आधारशिला रखते हुए नजर आएंगे तो फिर प्रधानमंत्री मोदी का उसके बाद संबोधन होने वाला है। आपने उड़ीसा के दौरे पर इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को देखा जहां संबलपुर वो कल गए थे और कल दोपहर के समय आपने तस्वीरें देखी थी कि 68,000 करोड़ रुपए की 18 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। यानी कि जब से नए साल की शुरुआत हुई है तब से प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। मिशन साउथ, उड़ीसा गए, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्षद्वीप का दौरा किया, अब वो असम पहुंचे हैं। गुवाहाटी में इस वक्त आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को और लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि आज क्या बड़ी परियोजनाएं जिसकी स्वागत प्रधानमंत्री मोदी देते हुए नजर आने वाले हैं और जिससे असम का खूब विकास भी होगा वो कई मायनों में खास हो जाता है। देश को समर्पित करेंगे 11,600 करोड़ की परियोजनाएँ। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बैठक यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की कल हुई थी,
और आज प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल संबोधन में कुछ बड़ी बातें कहते हुए नजर आने वाले हैं। दो दिवसीय यात्रा शनिवार को गुवाहाटी पहुंचे। आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ और आज कई बड़ी परियोजनाएं जिसकी सौगात आज असम के लोगों को मिलते हुए नजर आएगी। और लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर हम देखें तो कई मायनों में खास हो जाता है प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा, क्योंकि पूर्वोत्तर में लोकसभा की कुल 25 सीटें जिस पर जीत हासिल करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी, या कह सकते हैं कि अगर जीत हासिल कर दी तो ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आगे बढ़ते हुए। पीएम मोदी के काफिले पर पुष्प वर्षा इस वक्त हो रही है और पीएम मोदी ने कल एक्स पर पोस्ट भी किया था जब प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत यहां पर हुआ। प्रधानमंत्री मोदी काफी खुश भी नजर आए थे। एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि आफ्टर प्रोग्राम्स इन ओडिशा लैंडेड टू अ वेरी वार्म वेलकम इन असम, यानी कि जिस तरह से असम के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का कल स्वागत किया था जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, उससे काफी ज्यादा गदगद नजर आए थे और उन्होंने गुवाहाटी के लोगों का आभार भी व्यक्त किया। हिमंता बिस्व शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया था कि असम की जनता ने गुवाहाटी में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत में 1,00,000 दिए प्रज्वलित किए। तो देखिए अब ये आ चुकी है मंच से तस्वीरें। गुवाहाटी में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हो चुका है और मंच पर पहुंच चुके प्रधानमंत्री मोदी। आपको अलग अलग एंगल से तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं जहां पर लोगों के चेहरों पर आपको इस वक्त खुशी नजर आ रही है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उनके बीच और रोड शो में मोदी मोदी के नारे इस वक्त लग रहे हैं। आप सुन सकते हैं भारत माता की जयकारे भी लग रहे हैं। तो भारत माता की जयकारे और इसी बीच आपको बता दें कि मोदी मोदी के नारे भी लग रहे हैं। गुवाहाटी से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपने देखी। प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल वहां पर पहुंच चुके। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा।